सतना पुलिस ने इनामी डकैत अर्जुन सिंह परिहार की हत्या को लेकर कहा कि अर्जुन सिंह परिहार की हत्या उन्हीं के साथियों ने की थी। आपसी संघर्ष में परिहार के साथियों ने ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसका शव जंगल में ढूंढा जा रहा है। सतना एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि इनामी डकैत अर्जुन परिहार की हत्या आपसी संघर्ष में की गई थी। पकड़े गए एक आरोपी ने यह स्वीकार किया है कि अर्जुन और उसके अन्य साथी पीड़िता के घर गए और वहां उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी, जिसको लेकर थाने में उनके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज है। वहीं अपराध में उपयोग की गई बंदूक आरोपी के घर से जब्त की जा चुकी है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गैंग में आपसी रंजिश हो जाने के कारण उसके साथी कमलेश आरक के साथ योजना बनाकर अर्जुन सिंह परिहार की हत्या 23 जनवरी 2021 को कर दी गई थी और साक्ष्य छुपाने की नीयत से शेफ को बांदा जिले के जंगल में गाड़ दिया गया था। हत्या बांदा जिले में घटित होने के कारण बांदा जिले के एसपी को सूचित किया गया, वहां कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के कब्जे से 3 बंदूकें भी जब्त की गई हैं। रोंदा थाना क्षेत्र में जनवरी 2021 में एक आदिवासी परिवार पर फरार अभियुक्तों के द्वारा फायरिंग करके 307 की घटना को अंजाम दिया गया था। इस प्रकरण में जो अभियुक्त है अर्जुन परिहार, ये बांदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और ये वहाँ का हिस्ट्री शीटर है। जब इसकी गिरफ्तारी के प्रयास हुए तो जंगल में फरार हो गया और इन्वेस्टिगेशन में सूचनाएँ मिलती थी कि इसमें 3 या 4 लोग बंदूक के साथ फरार हुए हैं। इसमें डेडिकेटेड टीम लगाई गई थी, एसडीओपी चित्रकूट अभिनव और उनके थाना प्रभारी, एक विशेष टीम लगाई गई थी और लगातार प्रयास कर रहे थे। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक टीम हैदराबाद भेजी गई थी, वहां से राकेश को थाने बुलाया गया पूछताछ के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन में स्पष्ट हुआ है कि जो फायरिंग की घटना हुई थी उसमें राकेश भी शामिल था और अर्जुन भी शामिल था। इन लोगों ने फरारी करते हुए गैंग बना लिया था जंगल में और ये 3 लोग उसमें साथ में रहते थे। किसी कारण से गैंग में विवाद हुआ, ये जानकारी भी राकेश के द्वारा पुलिस को दी गई है। इनके द्वारा अर्जुन परिहार, जिस पे 10,000 रुपए का इनाम सतना डिस्ट्रिक्ट से था, उसकी हत्या इन्होंने जंगल में कर दी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।